हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर दैट मींस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पार्ट टू वीडियो। पार्ट वन वीडियो में हमने क्या देखा था? पार्ट वन वीडियो में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन की बात की थी। सेकेंड, हमने कुछ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े थे, कुछ डेल्टन्स एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में देखा था और कुछ बेसिक एटॉमिक साइज के बारे में हमने बात की थी। नेक्स्ट हम इस वीडियो में जो देखने वाले हैं, जो करने वाले हैं, वो कुछ कंटेंट इस प्रकार है। फर्स्ट हम करेंगे एटॉमिक सिंबल्स। एटम के सिंबल्स कौन से हैं, एटम्स एग्जिस्ट कैसे करता है। नेक्स्ट आप मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे एंड थर्ड हम कुछ आयंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव। फर्स्ट इज एटॉमिक सिंबल। व्हाट इज एटॉमिक सिंबल? एटॉमिक सिंबल क्या है बच्चों? एटॉमिक सिंबल का मतलब है कि कुछ भी आप किसी को भी कोई शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, किसी का शॉर्ट नेम हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आप बहुत लेंदी नेम है, जैसे पीरियोडिक टेबल में हम बात करते हैं, बहुत लेंदी हमारे एलिमेंट्स के नेम है, तो हम उनको शॉर्ट नेम कैसे दें? तो एटॉमिक सिंबल्स इज द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट। सो डाल्टन्स एलिमेंट, डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु असाइन सम मीन्स एलिमेंट्स नेम, लाइक देर वर अराउंड 36 एलिमेंट्स वर देयर हु बिलीव दैट टाइम दैट दे आर एग्जिस्टिंग। सो अकॉर्डिंग टू हिम ही गेव सर्टेन एलिमेंट्स नेम एंड सिंबल, दैट इज ऑल्सो मैंशनड इन योर एनसीईआरटी बुक। सो नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द एंड डाल्टन ऑल्सो ही गेव एटॉमिक सिंबल्स इन अ वेरी स्पेसिफिक मैनर, इन अ वेरी सेंसिबल मैनर। सो पहले बच्चों क्या होता था कि पहले हम अब आती है बात मॉडर्न एटॉमिक सिंबल्स, मतलब एलिमेंट्स के हम मॉडर्न सिंबल्स एलिमेंट्स के हम कैसे दें। तो अर्लियर टाइम्स देर वॉज अ क्राइटेरिया, दैट मीन्स द नेमिंग ऑफ द एलिमेंट वॉज डिपेंडिंग अपॉन द दैट हाउ द एलिमेंट्स आर फाउंड, कि एलिमेंट की जो प्लेस ऑफ फाउंड है वो क्या है, या हम उनके कलर के बेसिस पे उनको नेमिंग दे देते थे, उनको सिंबल्स दे देते थे। बट नाउअडेज जे बर्जिलिस ही गेव द नेम ऑफ द एलिमेंट और द सिंबल फॉर द एलिमेंट, दैट मींस ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंग्लिश नेम और द लैटिन नेम। एंड व्हाट वाज द इंग्लिश नेम, और इंग्लिश नेम में क्या यूज किया था उसने? उसने पहले कोई भी एलिमेंट का जो फर्स्ट लेटर है आपने उसको यूज करना है, और कई बार हम क्या करते हैं एटम का एलिमेंट का सेकेंड लेटर को भी हम यूज कर लेते हैं उसके सिंबल्स के लिए सेम वे, या फिर आपको कई बार उसके लेटिन नेम के बेसिस पे हम कि लेटिन नेम क्या है उसका, उसके बेसिस पे कि वो कहाँ से डिराइव्ड है, तो हम उसके बेसिस पे हम उसको सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? H, बिकॉज फर्स्ट लेटर इज H। सेम वे ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F एंड कार्बन C। बट प्रॉब्लम अब कहाँ आई है? प्रॉब्लम ये आई है कि जब आपके बहुत सारे एलिमेंट्स जिनका फर्स्ट लेटर है वो C से ही स्टार्ट है, फॉर एग्जाम्पल, तो उस केसेस में हम नेमिंग कैसे करें? उस केस में हम नेमिंग कैसे करें? फर्स्ट लेटर फॉर द कार्बन इज C, फॉर द क्लोरीन अगेन सी, फॉर द कैल्शियम अगेन सी। सो वट यू विल डू, आप क्या करेंगे, फर्स्ट आप कार्बन के लिए सी यूज कर रहे हैं, सेकेंड कैल्शियम के लिए आपने सेकेंड लेटर उसका यूज कर लिया सी ए, क्लोरीन के लिए उसका अनदर लेटर दैट इज एल यूज कर लिया, तो दैट इज सी एल सी ए, कॉपर के लिए सी ओ भी यूज कर सकते थे, बट उन्होंने क्या किया, उसके लेटिन नेम क्यूप्रम या साइप्रस से उसको डिराइव किया, तो इसीलिए हम इसको कॉपर के केस में सी यू बोलते हैं। तो ये कुछ सिंबल्स हैं, इसी तरीके से आपके पीरियोडिक एलिमेंट्स जो मॉडर्न सिंबल्स हैं एलिमेंट्स के वो मेंशन है, वो आप वहां से कि किस तरीके से हम राइट करें इनको वो आप देख सकते हैं। सेकेंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ओवर हेयर इज दैट फर्स्ट टू लेटर्स देर आर फॉर द एटॉमिक सिंबल देर आर टू लेटर्स, सो फॉर द सिंबल्स फर्स्ट लेटर इज कैपिटल वन बट द सेकेंड लेटर शुड बी स्मॉलर वन। सो यू कैन से सेकेंड लेटर आपने कौन सा यूज किया है? स्मॉलर। फर्स्ट लेटर इट शुड ऑलवेज बी कैपिटल वन। सो नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट
सो हाउ द लेटिन नेम्स फॉर द एलिमेंट्स आर, कि लेटिन नेम क्या हो सकते हैं उनके। जैसे सिल्वर के केस में आप देखेंगे इसका एजी सिंबल है, तो एजी आप कैसे बोल सकते हैं, बिकॉज इट्स लेटिन नेम इज आर्जेंटम, सो यू कैन यूज ए एंड जी। सेम वे फॉर द कॉपर इट इज क्यूप्रम, सी यू, वी ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट लाइन। फॉर द गोल्ड इट इज ए यू बिकॉज इट इज ऑरम। सेम वे फॉर द आयरन इट इज फेरम, यू कैन यूज एफ ई। फॉर द मर्कुरी इट इज हाइड्रर गायरम, दैट इज एच जी। फॉर द पोटेशियम इट इज के, दैट इज कैलियम। नेक्स्ट इट इज सोडियम, दैट इज एन ए बिकॉज इट इज नेट्रियम। नेक्स्ट लेड प्लम्बम, दैट इज पी बी। एंटीमनी इट इज टाइबियम, सो यू कैन से एस बी। टंगस्टन इट इज वॉल्फ्रेम, दैट इज डब्ल्यू। सेम वे फॉर द टिन इट इज स्टैनम, दैट इज एस एन। सो दीज आर द सम ऑफ द लेटिन नेम। सो यू फाइंड इन द पीरियोडिक टेबल दैट इज देयर इज सम सिंबल्स विच इज नॉट रिलेटेड टू देयर एलिमेंट्स नेम। सो इट इज नॉट मीन्स डायरेक्टली कोरिलेटेड, यू कैन से इट इज डायरेक्टली मेंशनड दैट। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, तो आप सी यू यूज कर रहे हैं, गोल्ड के लिए ए यू कहाँ से आ गया, तो आप बात कर सकते हैं बिकॉज इट इज डिराइव फ्रॉम इट्स लेटिन नेम। सो आई होप यू विल यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू हाउ द एटम्स एग्जिस्ट। एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। बेटा हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हम एनसीईआरटी बेसिस पे बात कर रहे हैं, हम एनसीईआरटी को फॉलो अप करते हुए बात कर रहे हैं, बिकॉज एनसीईआरटी इज आर बेस, हमारा बेस है एनसीईआरटी। तो हम जो फॉलो कर रहे हैं स्टडी पैटर्न को, वो हम एनसीईआरटी को कर रहे हैं, बिकॉज मोस्टली क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी पे बेस होते हैं, और हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर होगा तो हम आगे भी इजिली कर सकते हैं। सो बट हाउ द एटम्स एग्जिस्ट, एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं। एटम हमारे जो बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं वो फ्री फॉर्म में नहीं करते। क्यों नहीं करते, बिकॉज दे आर वेरी अनस्टेबल। अब एटम अनस्टेबल क्यों है, बिकॉज दे आर केमिकली रिएक्टिव इन नेचर। बट फॉर एग्जाम्पल वी कैन से इन द 18 ग्रुप, इन द ग्रुप 18 दैट इज नॉबल गैसेज विच आर केमिकली लेस रिएक्टिव, हमने इनको केमिकली लेस रिएक्टिव बोला है, और वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज द एक्सेप्शन इन आर पीरियोडिक टेबल, यही हमारी पीरियोडिक टेबल में एक एक्सेप्शनल सीरीज है जो कि नॉबल गैसेस की है, जहां पे आपको क्या मिल रहा है, वहां पे आपको स्टेबिलिटी मिल रही है। तो सिर्फ नॉबल गैसेस आपकी पीरियोडिक टेबल में ऐसे हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। बट बात आ रही है अदर एलिमेंट्स की, ऑल द अदर एलिमेंट्स दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द नेचर फ्रीली, बिकॉज दे आर केमिकली रिएक्टिव, दे आर अनस्टेबल इन आर नेचर। सो यू कैन से दे डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन द नेचर, दे ट्राई टू कंबाइन विद अनदर एटम और द एलिमेंट्स, सो दे वॉन्ट टू बिकम अ मॉलिक्यूल और अ आयन। सो इन द टू फॉर्म्स द एटम्स can exist, that is in the molecule form or in the ions form. They generally exist in the two basic form, you can say one is molecule and second one is ions. So why the atoms are so reactive, one question you can ask from yourself, ki aap ye puche ki atoms exist kyon nahi karte freely, wo unstable kyon hai, wo chemically reactive kyon hai, to aap baat kar sakte, aur aap ye bhi puch sakte normal gases stable kyon hai, केमिकली अनरिएक्टिव क्यों है, तो आप बात कर सकते हैं क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, हमें बच्चों पता है एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, एटम में सेंट्रल पार्ट इट इज न्यूक्लियस विच इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड द आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स आर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसमें क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे रिवॉल्व कर रहे हैं वो बेसिकली आपके क्या है, वो आपके शो करते हैं कि किसी भी एलिमेंट में आउटर मोस्ट में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो आप बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ हीलियम, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है इट इज 2 एंड एटॉमिक मास इट इज 4। सो इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट। सो यू कैन से बिकॉज ही, आप बात करेंगे फिर से कि जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो
टू प्रेजेंट हो या एट प्रेजेंट हो या 18 प्रेजेंट हो या हम बोलेंगे 32 प्रेजेंट हो, जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये नंबर्स प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन्स के, दीज आर द स्टेबल कॉन्फिग्रेशंस, दीज आर द ओनली स्टेबल कॉन्फिग्रेशंस फॉर दोज एलिमेंट्स हु हैज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट ऑफ टू, आइदर 8 और 18 और 32. आई होप, बिकॉज इन द नॉबल गैसेस यू मे फाइंड they have in the outermost orbit or the orbit having electrons in numbers 2, 8, 18 and 32. But other atoms, they do not have these kind of configurations. That is why they are not stable. They are chemically reactive. They try to tend to attain their electronic configuration towards the stability. So you can say only those atoms having outermost electrons which have stable electronic configuration, they are chemically unreactive or chemically stable. So other elements, other atoms, they are trying to attain the electronic configuration towards the stability. They are trying to form a bond with another atom to attain the stability, either by gaining or by losing. We will discuss later on that how they are gaining and losing in the ions one. So I already discussed that atoms exist in the two form, that is one is in the molecule form and another it is ions form. So you can say when atoms form molecules or ions, they become, then only they become stable, because in doing so they acquire the stable electronic configuration like the noble gases. I hope, student, you get this point. Next, we will move on to the molecule. What are the molecules? Molecules, we can say, these are the, when atoms combines together, they form a molecules. And when molecules combines together, they form a compound. So, same way, compound ke liye, aapke liye, sabse smallest particle kaun sa hua? Molecule. So, type of the molecule ki hum baat kare. मॉलिक्यूल्स किसके हो सकते हैं? एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं. मॉलिक्यूल्स किसके हो सकते हैं? आपके कंपाउंड्स के भी हो सकते हैं. अब बात करते हैं हम पहले मॉलिक्यूल्स आपके एलिमेंट्स के कैसे होते हैं. एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स, दे आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स. बिकॉज दे आर मॉलिक्यूल, ऑब्वियसली दे शुड हैव मोर देन टू एटम्स बट ऑफ द सेम एलिमेंट. अगेन स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ एटम्स, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आस्क फ्रॉम दी दिस पार्ट, दैट इज एटॉमिसिटी. एटॉमिसिटी इज बेसिकली द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स की नंबर्स क्या है, एटम्स की संख्या क्या है, एटम्स के कितने नंबर्स प्रेजेंट है, दैट इज द एटॉमिसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल. सो वी आर सेइंग देयर मे बी मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल. मोनोएटॉमिक मतलब जो कि किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, लाइक नोबल गैसेस. नोबल गैसेस के केसेस में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, तो ये सारे कैसे हैं आपके, केमिकली अनरिएक्टिव है. दे डू नॉट मींस फॉर्म द बॉन्ड विद अनदर एटम, सो दे आर एग्जिस्टिंग इन द मोनो एटॉमिक फॉर्म. नेक्स्ट वन, दैट इज डायटॉमिक, मीन्स वो किसी से कंबाइन कर रहे हैं. तो वो किस फॉर्म में मिल रहे हैं आपको? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में, नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में, फ्लोरीन गैस की फॉर्म में. दैट मीन्स इट इज द मॉलिक्यूल, द एटम्स आर टू इन नंबर ऑफ द सेम एलिमेंट, सो दे आर डायटॉमिक इन नेचर. दो एटम्स प्रेजेंट हैं, दो एलिमेंट प्रेजेंट हैं. पॉलीएटॉमिक के केस में देर इज मोर देन टू टाइप ऑफ मोर देन टू इन नंबर ऑफ एटम्स यू कैन से. सो इट इज लाइक ओजोन गैस में आपके कितने हैं? 3 प्रेजेंट है. दैट मीन्स इट इज ट्राईएटॉमिक. It is tetra also in case of phosphorus, and somewhere it is octa also in case of sulfur. So these are some of the atoms that they may exist in different atomic forms. So you can say depending upon the number of elements or the atoms present in the molecule, they may be monoatomic, diatomic and polyatomic. Next we will move on to the molecules on the of the compound.
तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो अब वहां पे हमने एलिमेंट की बात की थी, यहाँ हम बात कर रहे हैं कंपाउंड की। अब कंपाउंड्स में कैसे हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइंड और बॉन्डेड टूगेदर बाय द केमिकल बॉन्ड बिकॉज दे आर द कंपाउंड, दे हैव डिफरेंट एलिमेंट्स, मोर देन टू एटम्स बट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, सो यू कैन से दे आर प्रेजेंट इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय देयर मास। वी ऑलरेडी डिस्कस इन द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, बिकॉज उनकी जो प्रोपोर्शन, ये हमने लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन में डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से किया था कि दे आर प्रेजेंट, दे आर बॉन्डेड टूगेदर इन द प्रोपोर्शन, मीन्स इन देयर डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय देयर मास। सो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड अगेन में भी यू कैन से इट इज, इट मे बी डायटॉमिक, इट मे बी ट्राई टेट्रा एंड पॉलीएटॉमिक इन द नेचर डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स लिंक्ड और कंबाइंड टूगेदर बाय अ केमिकल फॉर्म। आई गेव सम एग्जाम्पल, आई कोट हियर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स विच यू कैन सी, लाइक हाइड्रोजन क्लोराइड, इट हैज टू एलिमेंट्स, टू एटम्स यू कैन से, दैट इज वन इज हाइड्रोजन एंड अनदर इज क्लोरीन, सो यू कैन से इट इज डायटॉमिक इन नेचर, से और इन द रेशियो ऑफ 1/35.5 इट्स मास। सो स्टूडेंट्स यू कैन से इन केस ऑफ वॉटर अगेन इट इज H2O, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन यू कैन सी हेयर एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज हेयर, सो इट इज ट्राइटॉमिक इन नेचर अगेन इन द रेशियो बाय देयर मास। सेम वे फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, इट हैज हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, थ्री एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, so you can say it is tetraatomic again by their mass ratio. Same way carbon dioxide, carbon and oxygen, carbon and oxygen 3 in number, you can say triatomic, 3/8. For the methane it is carbon and hydrogen, that is pentatomic, or you can say it is 3:1. So students, this is some of the examples I quoted for the molecules of the compound. I hope you will understand this. Next, we will move on to the homoatomic and heteroatomic molecules. Homo का मतलब आपको नाम से समझ आ रहा होगा. Homo means same kind of atoms. Again, same. Homo means same. Hetero means different. तो कुछ आपके अभी जो हमने पीछे बात की उसमें हमने यही बात की थी कि कुछ डायटॉमिक हैं, कुछ पॉलीएटॉमिक हैं, कुछ मोनोएटॉमिक हैं। सेम वेयर इट इज मोनो, होमोएटॉमिक मींस सेम टाइप ऑफ एटम्स। सी मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट, दे आर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के हैं, सेम एटम से मिलके बने हैं। दे आर फर्दर क्लासिफाइड अगेन, यू कैन से मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक एंड दे आर, फॉर एग्जाम्पल they are helium, oxygen and so many are there. So these are the common examples which you can quote in the homoatomic in nature, because aapke yahan pe jo element hai wo same hai, aapke elements jo hain wo different nahi hai, un elements ke jo aap ye bol sakte hain ki elements ek hi type ka present hai, theek hai, isliye hum isko homo bolte hain, same type ke element present hai. Hetero ke case mein aap kya bolenge, because they are different one means there are different elements are present, different elements means वहाँ पे आपका जो elements है वो different present है. For example you can say carbon monoxide है, हाँ beryllium fluoride है, हाँ ammonia है, H2SO4 है, तो there are, because यहाँ पे आप देखेंगे different elements chemically bond है एक दूसरे के साथ, तो आपके ये compound form कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं homoatomic and heteroatomic molecules are there. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द आयंस. आयंस जो है, अब आयंस को क्या बोलेंगे, आयंस हमने बात की थी पहले मॉलिक्यूल की, अब हम बात करें आयंस के बारे में. जो एटम्स एग्जिस्ट करते हैं हमने पहली बात की है वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, अब हम सेकेंड बात कर रहे हैं कि एटम्स जो हैं आयंस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं. आयंस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं इसका क्या मतलब है, आयंस बेसिकली होते क्या हैं, आयंस आर द चार्ज पार्टिकल्स. क्या बोलेंगे आप, आयंस जो हैं वो कुछ चार्ज पार्टिकल्स हैं जो हमारे प्रेजेंट हैं. चार्ज पार्टिकल्स का क्या मतलब है, आइदर दे कंसिस्ट ऑफ, दे आर, दे हैव अ पॉजिटिव चार्ज और दे हैव सम
negative charge on its on the group of the atom. So you can say every atom contains equal number of electrons, negatively charged, and the protons are the positively charged. So both the charges balancing together, then only they form a electrically neutral kind of atom. तो आपने पहले भी देखा बच्चों, हम बात कर रहे थे कि एटम में सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, वो सेम होते हैं. जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, सपोज यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन वन है, तो आपके न्यूट्रॉन की संख्या भी वन होगी, नंबर में वन होगी. इलेक्ट्रॉन्स जो है आपका क्या होगा, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करता है जब आपका पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से कैंसल आउट हो, तभी आपका जो एटम है वो आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. सो पॉजिटिव, अब आयंस होते कितने टाइप के हैं, आयंस बेसिकली आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव वाले को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन, और यू कैन से केटायन. केटायन्स आर द पॉजिटिवली चार्ज एटम. तो आप बोल सकते हो एटम हैज लेस इलेक्ट्रॉन्स देन द न्यूट्रल एटम. अब बात करेंगे लेस एटम क्या बोल रहे हैं हम, लेस इलेक्ट्रॉन कैसे हैं वो, एंड गेट पॉजिटिवली चार्ज, दैट मींस पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नोन एज केटायन. तो अब आप इसको बोल सकते हो इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और यू कैन से केटायन. तो हमने क्या बोला, एक आयन कैसा होता है हमारा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का होता है, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है. अब हमने बोला एक कुछ लेस इलेक्ट्रॉन है, मतलब कैसे फॉर्म होते हैं केटायंस, कैसे फॉर्म होते हैं कि जो भी उनके एटॉमिक नंबर है, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से एक कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके कुछ कम होंगे, और वो कम कैसे होंगे वो अभी हम देखते हैं. कि जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम, आप सोडियम के केस में हम क्या बोलते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11. सो हम क्या बोलेंगे, 11 के केस में अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करूं, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज 2, 8 and 1, fine. So you can say it has one extra electron. Extra क्यों है, because इसका 11 है atomic number, तो 11 के लिए जो 1 है वो क्या कर सकता है, ये इसको क्या होना है, stable होना है. stable होने के लिए क्या करेगा, अपना एक electron lose कर देगा, एक electron lose करेगा, donate करेगा. अगर donate करेगा, lose करेगा, तो ये क्या होगा, इसके outer most में जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हैं वो 8 हो जाएंगे, वो टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल हो जाएगी. तो हम बात कर रहे हैं उसने अब क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, लूज करके उसके ऊपर जो चार्ज आया सोडियम के पास, पहले क्या था, Na11, उस पर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, बट जैसे उसने अपना एक लूज किया, इसका मतलब 10 हो गया, तो उस पर चार्ज क्या आ गया हमारा, प्लस का, प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इट इज प्लस 1. सेम वे यू कैन से फॉर द मैग्नीशियम, इट हैज 12, सो यू कैन से इट हैज आउटर मोस्ट 2 में से उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने डोनेट कर दिए, तो उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए उसने, डोनेट किए, वो चार्ज उसके ऊपर क्या आ गया, प्लस 2 का. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. सो नेक्स्ट, अ केटायन बियर्स that much units of positive charge as there are number of electrons lost by the neutral atom. Neutral atom कौन सा है, ये वाला. और इसने neutral atom ने क्या lose करके क्या बनाया, आपका cation form किया. So same way a magnesium atom loses 2 electrons to form magnesium ion. So magnesium ion bears 2 units of positive charge and it is represented as magnesium plus 2. Again I hope you understand this cation point, electropositive ions. So next we will move on to the anion one. What are anions? Anions, second jo aap ion ki baat kare, that is electronegative ions, that means anion. Anion kaise banenge aapke bachcho? Ions jo aapne do type ke dekhe, ek positive ion, ek negative. Isko humne bola cation, isko humne bola ye kaise bane the? लूज करके, इलेक्ट्रॉन को लूज करके, और ये आपके कैसे फॉर्म हुए, एनायन को गेन करके, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके. तो हम बात कर रहे हैं इफ मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन द न्यूट्रल एटम. अब आगे ना वहां पे क्या बात थी, लेस नंबर
यहाँ पे क्या बात है, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो न्यूट्रल एटम देन इट गेट्स नेगेटिवली चार्ज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. जो भी न्यूट्रल एटम के पास कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए उसको हमने नेगेटिवली चार्ज बोला, एनायंस बोला, और इसको हमने एनायन का नाम दिया. अब बात आती है फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन. क्लोरीन का अगर बच्चों आप देखेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 17. तो आप क्या लिख सकते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2, 8, 7. अब इसको 7 को इसको लास्ट में आउटर मोस्ट में क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी ये स्टेबल हो सकता है. तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दें. इसने गेन किया एक इलेक्ट्रॉन. अब इसका क्या हो सकता है 2, 8, 8 स्टेबल हो गया. तो अब स्टेबल हो गया तो अब आप क्या बोलोगे इसके एटॉमिक नंबर एक्स्ट्रा. बट कैसे, -1. इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, जब लिया इसने गेन किया देन ओनली इट बिकम इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोराइड आयन. इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोराइड आयन. सेम वे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन इट हैज 8, सो यू कैन राइट 2N6. और अब ये 6, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट में, 6 है इसके पास. अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेता है तो क्या बन जाएगा 2N8. सो यू कैन से इट इज O2-. इस पे कौन सा चार्ज आएगा, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए थे तो 2- का चार्ज आ जाएगा. सो एनायंस बियर्स दैट मच यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज एज देयर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय द न्यूट्रल एटम. अगेन स्टूडेंट्स प्लीज बी केयरफुल गेनिंग एंड लूजिंग पॉइंट. गेनिंग का मतलब जब वो गेन कर रहा है, उसने इलेक्ट्रॉन्स को लिया अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को स्टेबल करने के लिए, तो कौन सा आयन फॉर्म करेगा, एनायन फॉर्म करेगा. जब वो लूज करेगा तो वो कौन सा आयन फॉर्म करता है, केटायन फॉर्म करता है. सो फॉर एग्जांपल अगेन फॉर द नाइट्रोजन इट विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म द नाइट्राइड आयन. सो नाइट्राइड आयन बियर्स 3 यूनिट्स ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज N3-. सो दिस वॉज द ions, that means electropositive and electronegative ions. These are some of the common electrovalent positive and the negative ions mentioned in your NCERT also. That means hydrogen have this +1, all the group 1 elements they have the valency +1, group 2 has valency. I already discussed in the one of the video that of the periodic table, जो हमने बात की थी कि group wise हम उनको periodic table को कैसे learn करें, वो आपकी यहाँ पे valency के form में helpful होगी कि आपको कैसे उसको use करना है. आप group wise अगर elements को learn कर रहे हैं तो वो आपको valency याद करने में helpful होगी. तो आप उससे ये बता सकते हैं कि इस पे charge कौन सा है. तो वो वीडियो आप जरूर देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए कि हमने उस वीडियो का पर्पस हमारा ये था कि ताकि हमें ग्रुप वाइज एलिमेंट्स अगर हमें लर्न हो गए तो हमें वैलेंसी फाइंड आउट करने में मुश्किल नहीं होगी, और वैलेंसी इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग द कंपाउंड्स. सो अगेन स्टूडेंट दीज आर द सम ऑफ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एनायंस. यू कैन से दीज आर मेंशनड इन योर NCERT ऑल्सो, एंड यू नीड नॉट क्रैम टू दीज थिंग्स. आपको सिर्फ समझना है, और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में राइट करके इसको जरूर लिखिए कि कहीं पे भी आपको ये कैसे फॉर्म हो रहे हैं, या पॉजिटिव चार्ज क्यों है, नेगेटिव चार्ज क्यों है. तो आप वहां से प्लीज समझ लीजिए कि ये करना कैसे है. नेक्स्ट अब बात आती है, जैसे हमने होमो एटॉमिक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स पढ़े थे, सेम वे मोनो एटॉमिक आयंस की हम बात कर रहे हैं. तो मोनो एटॉमिक आयंस क्या होंगे आपके, दीज आर द आयंस विच आर फॉर्म्ड बाय द सिंगल एटम. दैट मींस एक ही एटम से आपका बना है, एंड दीज आर कॉल्ड मोनो एटॉमिक आयंस और द सिंपल आयंस. दैट इज Na पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव. एक ही एटम से बना है तो आप बोल सकते हैं मोनो एटॉमिक आयन. अगर पॉलीएटॉमिक आयन की बात करें दैट मींस अगेन मोर देन 2 टाइप ऑफ द एटम्स आर देयर, एलिमेंट्स आर देयर, यू कैन से जॉइन टुगेदर बाय सम काइंड ऑफ द केमिकल बॉन्ड. दैट मींस इट इज पॉलीएटॉमिक इन नेचर. यू कैन से अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयन, एंड देयर आर सो मेनी, यू मे कोट द एग्जांपल्स ऑफ पॉलीएटॉमिक एंड मोनोएटॉमिक. नेक्स्ट देयर इज वन इलस्ट्रेशन बेस्ड ऑन द एटॉमिसिटी. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड
इन आर मीन्स प्रीवियस दैट व्हाट इज एटॉमिसिटी. एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. यू कैन से इफ यू कैन से कास्टिक सोडा इट इज NaOH. सो कास्टिक सोडा क्या होता है? NaOH. सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं हम इसको. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक सोडियम, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन. आपने क्या बोला? ट्राइटॉमिक. सेम वे मार्बल इट इज कैल्शियम कार्बोनेट. दूसरा नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट. आप इसको क्या बोलेंगे? वन कैल्शियम, वन कार्बन, वन ऑक्स, थ्री ऑक्सीजन. दैट मीन्स इट इज पॉलीएटॉमिक, मोर देन टू टाइप ऑफ एटम्स. सो लाइम वाटर इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं हम इसको. अगेन इट इज पॉलीएटॉमिक. उसमें दो से ज्यादा एटम्स मिलके बना है और उसमें एटॉमिसिटी उसकी ज्यादा है, नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है. हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए आप बोलेंगे हाइड्रोजन एंड क्लोराइड. वी ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस स्लाइड दैट इज इट इज डायटॉमिक इन नेचर. NH3 दैट इज अमोनिया दैट इज टेट्राएटॉमिक इन नेचर. सेम वे PCl3 यू कैन से इट इज टेट्रा. H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड इट इज टेट्रा. क्लोरीन दैट इज डायटॉमिक. NH4Cl दैट इज पॉलीएटॉमिक नेचर. सो दी बेस्ड ऑन द एटॉमिसिटी क्वेश्चन में आस्क इन द एग्जाम्स. सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस वीडियो, यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर. अप टू दिस वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी थिंग्स अबाउट द बेसिक ऑफ द लेक्चर. सो नेक्स्ट वी विल डू ऑन द हाउ टू मेक द कंपाउंड्स एंड बेस्ड ऑन द कंपाउंड वी विल फाइंड आउट द मोल कॉन्सेप्ट. वी विल डू द मोल कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर कि इसमें हम मोल कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे, किसी का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं. तो आप इसी को नेक्स्ट वीडियो में हम देखते रहेंगे कि कैसे आपने मोल कॉन्सेप्ट करना है, कैसे आपने कंपाउंड फॉर्म करना है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.